सुबह के 7:02 हुए हैं। ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है। भावगीत। जी हाँ श्रोताओं, आपके निर्माण पत्रों के आधारित ये कार्यक्रम हम आपके लिए ले आते हैं और कार्यक्रम भावगीत में शामिल हो जाइए। ये पहला कागज हमें हमारे हाथ में है, यवतमाल के पंजाब रामटे के और यशोधरा रामटे के फिल्म नास्तिक के लिए जो कवि प्रदीप ने गाया हुआ एक गीत के बारे में भाव इस तरह लिखते हैं। आज का युग मशीन युग हो गया है, मानव भी स्व को मशीन के समान तेज रफ्तार से आगे बढ़ते ही कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि वो भी एक मशीन की तरह अनवरत चले और अपनी बहती हुई इच्छा, बढ़ती हुई इच्छा आकांक्षा की पूर्ति करे। इस दौड़ में वो अपने अंदर की भावना, संवेदना, आत्मीयता खोता जा रहा है। वैसे के खातिर वो आगे बढ़ने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। घर परिवार, पड़ोसी, मित्रों व समाज के लिए उसके पास समय नहीं है। निज स्वार्थ के लिए कुछ भी कर रहा है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा है, वो परिपूर्ण बदल गया है। इस इंसान के माया जाल भटक गया है, इस संसार के माया जाल भटक गया है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज परेप के फंदे, कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।
प्यार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते, काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कार्यक्रम भावगीत के लिए ज्ञानेश्वर मंदिर हलनी जिला नांदेड़ से मास्टर एस के पाटिल, मीना रानी मनवा पाटिल, भाई कमलकांत गुप्ता, अजय विजय पाटिल लिखते हैं इस तरह। अरे इंसान बुरी बात करके तो चैन कहाँ पाएगा, जैसे तेरे कर्म होंगे वैसा तो फल यहाँ पाएगा, और कुछ भी नहीं सिर्फ नेके काम आएगी यार, भला करने वाले मुसाफिर गरीबर सुख यहाँ पाएगा। गीता रामायण कुरान ये दुनिया के पवित्र ग्रंथ है। रामायण से हमें नेकी और सत्य का सबक मिलता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, इंसान होने के नाते हमें कर्मयोगी बन के जीना है, जैसे कर्म करेगा इंसान वैसा ही फल उसके नसीब में लिखा होगा। भला करो भला होगा, बुरा करो तो निसंदेह बुरा ही होगा। सच तो ये है कि कर्मयोगी कभी फल की चिंता नहीं करता। भलाई पुण्य का प्रतीत है तो बुराई पाप का मापदंड। भला बुरा करना तेरे हाथों में, बनके दिखा इंसान सच्चा, ऐसे करने करता चल। सभी कहते हैं रहे, सभी कहते रहे ये इंसान सच्चा। हम समझ की भलाई करते रहे तो हर इंसान में भगवान नजर आएंगे। संसार में सुख बांट कर हमें दुख तो दूर करना है। दूसरों को दुख देते रहेंगे तो अनायास ही हमारे नसीब में उदासी गम होगा, उस दुख हमें भुगतान करना ही होगा। यानी जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे सोच तेरी वैसा मन बनता जाए। पेड़ लगाए बबूल का भाई, आम कहाँ से आए। ओ करनी भरनी के दम से ही चलता ये संसार, नगदा नगदी सौदा है ये, कहीं होता नहीं उधार। भूल करके तू भूल जाए, भूल करके तू भूल जावे, जान के खावे जो धोखा, एक दिन बंदे देना पड़ेगा हर दिन का लेखा, ओ हर दिन का लेखा। कब पर
पड़ जाए गले में फंदा, समझ न सकता पागल बंदा। अपनी मौज मस्ती की खातिर क्या क्या करता है तू धंधा, क्या क्या करता है तू धंधा। होश तुझे आ जाएगा, भेद खुलेगा तेरा। एक दिन बंदे देना पड़ेगा, हर दिन का लेखा ओ हर दिन का लेखा। धरती का ऐसा पानी, पाप न चढ़ता कहीं जवानी है। अपने मन ही के बस रहता, ना करना तू ये मनमानी। दुनिया की बैठा है ठेका, एक दिन बंदे देना पड़ेगा, हर दिन का लेखा ओ हर दिन का लेखा। वो भावगीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दो शोले से। और फार बिस्कंच सुल्तान फोकर अररिया बिहार से कृष्ण मोहन यादव हम लेके हमें लिखते हैं कार्यक्रम भावगीत के लिए। भाग्य और कर्म का किसी विशेष वर्ग, जाति, भाषा और लिंग से नहीं, बल्कि चराचर प्राणी जगत से संबंध है। इंसान जैसे ही पंच तत्वों से बने इस शरीर को लेकर माँ के गर्भ से बाहर आता है, उसका कर्म आरंभ हो जाता है और ये कर्म तक चलता रहता है जब तक इस धरती पर वो अंतिम सांस लेता है। इसलिए तो मानव जीवन को कर्मक्षेत्र कहा जाता है। मानव की जीवंतता उसके कर्मशील बने रहने में ही है। सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होता। जो आज का पुरुषार्थ है वो कल का भाग्य है। कर्म करने की क्षमता सभी के पास होती है और अपनी क्षमता के अनुरूप हर इंसान अपने जीवन में संघर्ष करता रहता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। कहने का मतलब यह है कि कर्म से ही इंसान अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। भाग्य के भरोसे बैठकर नहीं, इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। अतः इंसान को निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। तकदीर बना ले अपने
पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले दाव लगा ले। डरता है जमाने की निगाहों से भला तू, निगाहों से भला तू। इंसाफ तेरे साथ इल्जाम उठा ले, इल्जाम उठा ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले दाव लगा ले। गीता दत्त को आपने सुना फिल्म बाजी से। और ये मेहर नगर उमर के महाराष्ट्र के श्रोता भाई अभिजीत गुहनकर और श्रोता बहन सरिता गुहनकर हमें लिखते हैं, हमारे जीवन में परिवार के साथ साथ पैसे का भी बड़ा महत्व है। पारिवारिक जिम्मेदारी संभालने के लिए हर इंसान को दिन रात काम करना पड़ता है। चाह कर भी वो अपने बीवी बच्चे माँ बाप को समय नहीं दे पाता। दिन रात मेहनत करना उसकी मजबूरी बन जाती है। पत्नी को भी लगता है कि काम से थोड़ा समय निकाल के उसे भी कुछ पल प्यार में बिताने के लिए निकालें, बच्चों के साथ खेलें। मगर हर इंसान काम में इतना व्यस्त होता है कि छुट्टियों में भी काम करता रहता है। मानो काम करना ही उसके जीवन का अंग हो। समय सच में ये सिर्फ पति के लिए नहीं, दूसरी तरफ से काम जो करने वाले नौकरी करने वाले पत्नी के लिए भी बराबर होना चाहिए। परिवार शांति से चलाने को एक दूसरे को समझना, समझकर काम करना, समय निकाल के अपनी जिम्मेदारी निभाना जरूरी है। काम ही काम, क्यों नहीं लेते पिया
थी जो मन की चिट्ठी पढ़ न सके जो मन की चिट्ठी ऐसे सजनों से मेरी टूटी 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 सुबह और शाम काम है काम क्यों नहीं लेते पिया प्यार का नाम कार्यक्रम भावगीत हम समाप्त करना चाहते हैं और एक आपके निर्माण पत्र पेश करके भावगीत के लिए लिखते हैं आकांक्षा रेडियो लिसनर्स क्लब घर सेवा छत्तीसगढ़ से छेदुलाल यादव और श्रीमती सीता यादव फिल्म कुछ कुछ होता है से एक गीत के भाव इस तरह लिखते हैं और यादव और इंतजार को चोले दामन का साथ होता है जब तक इंतजार पूरा नहीं होता याद जाती नहीं कुछ यादें ऐसी होती है जो बार बार आंखों के सामने आती है पर उसे देखना नहीं चाहते कभी कई बार उन यादों को दिल में दफन कर लेते हैं परंतु कुछ यादें दिल में छुपे होने के बाद सुखद अनुभूति भी दिस जाती है यदि सबको प्यारी होती चाहे वो अच्छी हो या बुरे सुखद क्षण में याद करके खुश रहता है तो दुख क्षण में उन बुरे समय की याद दिलाती है यादें और इंतजार दोनों एक दूसरे के साथी हैं और इसलिए अच्छे पल को सजो कर रखे और बुरी यादों को भुला देना जरूरी है खुशी दे
जा लहराई पैगाम वफा के लाई। तूने अच्छी प्रीत निभाई, तूने अच्छी प्रीत निभाई, किसी से अब क्या कहना, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। समझे न पीर पराई, किसी से अब क्या कहना, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। कार्यक्रम के अंतिम में आपने सुना फिल्म कुछ कुछ होता है से उदित नारायण, अलका याग्निक, मनप्रीत अख्तर और साथियों को। और इससे पहले आपने सुना फिल्म उलझन का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। इसके साथ ही ये आपकी पसंद कार्यक्रम भावगीत यहीं पर हम समाप्त करना चाहते हैं।